हेलो गाइज, मैं बम्बम आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं कोई मोटिवेशन की बात करने वाला नहीं हूँ, ना ही मैं आप लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। अरे, पढ़ाई से रिलेटेड बात करके क्या होगा, पढ़ के क्या होगा? पढ़ने से भी हमें रोजगार ही नहीं मिल सकता है, पढ़ाई करके हम अपने घर के परिवार के लोगों को ही नहीं चला सकते हैं, तो पढ़ने का घंटा होगा। हम सब दिन रात एक करके पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते सर का बाल उड़ जाता है, लेकिन जॉब नहीं होता है, जॉब कैसे होगा? कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को जॉब दूंगा, ये मैं नहीं कहता हूँ, मोदी जी बोले थे मैं 2 करोड़ युवाओं को जॉब दूंगा, लेकिन कितने लोगों को जॉब दिए मोदी जी ये नहीं बताएंगे। वे सिर्फ मन की बातें करेंगे, वो अपने सिर्फ मन की बातें करेंगे, स्टूडेंट्स का मन की बातें ही नहीं पूछेंगे, उनके पास टाइम नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपने कुर्सी की चिंता है। हमारे बिहार में जब इलेक्शन का टाइम आता है तो बिहार पुलिस का फॉर्म निकल जाता है, बिहार पुलिस का फॉर्म तो निकल जाता है, सही से उनका एग्जाम भी नहीं हो पाता है। इलेक्शन से कुछ दिन पहले तक में एग्जाम तो ले लेते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट कब आएगा ये पता ही नहीं रहता है। वो इलेक्शन से पहले रिजल्ट नहीं देते हैं, वो इसलिए रिजल्ट नहीं देते हैं क्योंकि यदि रिजल्ट दे देंगे तो फिर बिहार के युवा उन्हें हटा देंगे कुर्सी से, इसलिए रिजल्ट नहीं देते हैं। उनके मन में रहता है यदि मैं रिजल्ट बाद में दूंगा तो जो देश के बेरोजगार युवा है जो हमको वोट देंगे उन्हें तो वोट देना पड़ेगा, नहीं तो उनके मन में तो होगा यदि मैं इनको वोट नहीं दूंगा तो मैंने एग्जाम दिया मेरा तो सबसे पहले 500 रुपये बर्बाद जाएगा, क्योंकि कोई फॉर्म निकलता है 500 रुपया लिया जाता है और 500 तो गया, इसके बाद मेरा एग्जाम का रिजल्ट भी कहां जाएगा कुछ भी पता नहीं रहेगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लगभग 70% युवा किसान के फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसान खेत में मरता है उनका बेटा फौज में, नेता देश में यश करता है उनका बेटा विदेश में। क्या सुने हैं कभी नेता का बेटा कोई सैनिक में जाता है, कोई फौजी बनता है? नहीं सुने होंगे, लगभग में आप नहीं सुनेंगे क्योंकि वो जाने ही नहीं देते अपने बेटे को, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें धूप में चिड़चिड़ाती धूप में रहना पड़ता है, फौजियों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। नेता लोगों को पैसा का तो कमी है नहीं, यदि पैसा का कमी होने लगे तो वो क्या करते हैं, फॉर्म निकाल देते हैं, वैकेंसी निकाल देते हैं। पिछले बार 90,000 वैकेंसी निकला, उनमें लगभग 3 करोड़ युवा फॉर्म भरे, लेकिन उनका एग्जाम कब होगा कुछ पता ही नहीं है। रेलवे में जो 3 करोड़ छात्र फॉर्म भरे थे, यदि उनसे पूछा गया कि अरे इनका एग्जाम क्यों नहीं ले रहे हैं, तो वो बोले मेरे पास उतना सीट अवेलेबल नहीं, इनका एग्जाम ले पाऊं, परीक्षा केंद्र ही अवेलेबल नहीं है। और पिछले बार 55 करोड़ लोग वोट दिए थे टोटल, लगभग 1 लाख मतदान केंद्र बनाया गया था, वोट लेने से मतदान केंद्र बनाने का सीट है, लेकिन स्टूडेंट को युवाओं को जॉब देने के लिए कोई वैकेंसी नहीं, लेकिन स्टूडेंट का देश का भविष्य का एग्जाम लेने के लिए सेंटर ही नहीं बन पाता है। वाह, क्या बात है। मैं विपिन सर, खान सर सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, उन लोगों ने भी अपने मन की बात वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। और हम सभी युवा रोड पे तो नहीं उतर सकते हैं, लॉकडाउन लगी हुई है, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने मन की बातें रख सकते हैं। मोदी जी से बातें नहीं रख सकते हैं, पर अपने देश के बेरोजगारी के लेकर के देश के युवाओं से तो बातें रख सकते हैं। जितने लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं सारे लोग सोशल मीडिया पर आइए, और हल्ला चल रहा भी उसको हल्ले को बंद मत होने दीजिए, ये शिक्षित लोगों का आवाज है, ये कोई ऐसे वैसे लोगों का आवाज नहीं है। और शिक्षित लोगों का आवाज जब भी उठा है वह बहुत आगे तक गया है और वह सफल भी हुआ है, इसलिए इनको बंद नहीं होने देना है, इन्हें चलते रहने देना है। जब टीचर से पूछे जाते हैं सर फॉर्म कब निकलेगा, सर वैकेंसी कब आएगा, सर एग्जाम कब होगा, सर पढ़ तो लिए हैं, सर कितना रिवाइजिंग करेंगे, सर रिवाइजिंग करते करते थक गए हैं, अब सर क्या पढ़ेंगे, लगता नहीं है जॉब होगा, अरे जॉब कहां से होगा। नेता को तो कुर्सी का चिंता है, स्टूडेंट को चिंता ही नहीं है जो देश के युवाओं के साथ ऐसा कर रहे हैं। आप कान खोल के सुन लीजिए, यदि बिहार का है सभी शिक्षित लोग रोड पे उतर गए तो पटना से लेकर के दिल्ली तक टसकने का जगह नहीं मिलेगा।